नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति कुशवाहा। आइए देखिए खबर। भीतरवाड़ नगर में भीषण गर्मी में नगर पेयजल संकट के मुहाने पर आ गया है। नगर में पेयजल संकट को लेकर नगरवासियों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। नगर में एकदम से पेयजल संकट को लेकर काफी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। पार्वती नदी के सूखने से बंद हुए फिल्टर प्लांट से नगर में पेयजल सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है। फिल्टर प्लांट के पास नदी में मोटरें डालकर किसानों द्वारा ग्रीष्मकालीन धान की सिंचाई करने से पैदा हुई पेयजल समस्या को देखते हुए नगर के लोग काफी चिंतित हैं। नगर की 25,000 से अधिक की आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नगर परिषद द्वारा दियादाह घाट पार्वती नदी पर स्टॉप डैम बनाकर फिल्टर प्लांट बनाया है। नगर की पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिए 11 करोड़ की लागत से बना फिल्टर प्लांट गुरुवार को बंद हो गया। पार्वती नदी सूखने से फिल्टर प्लांट की मोटरें बंद होने से पानी की टंकियां नहीं भर पाई। जिन टंकियों में पानी था उनसे नगर में कुछ जगह पेयजल सप्लाई हो सकी, वहीं कुछ वार्डों में फिल्टर प्लांट ठप होने से पानी नहीं पहुंच सका। ऐसी स्थिति में रहवासियों ने हैंडपंप का सहारा लिया। पार्वती नदी में फिल्टर प्लांट के लिए बने स्टॉप डैम के पास मोटरें डालकर आसपास के किसानों द्वारा की जा रही ग्रीष्मकालीन धान की सिंचाई से नगर में ये पेयजल समस्या पैदा हुई है। अगर समय रहते स्थानीय निकाय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो आगामी समय में ये समस्या विकराल रूप धारण कर सकती है। भीतरवाड़ से कमल साहू की रिपोर्ट। पानी की सप्लाई की तैयारियां तो पूर्व से ही नगर परिषद में हैं। हमारे नगर भीतरवाड़ में करीब 10 से 12 ट्यूबवेल ऑलरेडी हैं, जिनसे पानी की सप्लाई अभी भी चालू है। अन्य ट्यूबवेल 10 के करीब और हमारे प्रस्ताव पहले से मंजूर किए हुए हैं, उनको भी करा रहे हैं। और वैकल्पिक व्यवस्था तो हमारे पास है ही, नगर परिषद से पूर्व में ही चली आ रही है। इसके अतिरिक्त जो हमारा वाटर फिल्टर प्लांट बना हुआ है, अभी जल स्तर कम होने से नदी में पानी पूरी तरह से सूख गया है, जिसकी जानकारी हमारे द्वारा प्रशासन को दे दी गई है। और प्रशासन ने कल सुबह ही हरसी बांध से पीने के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने गेट खोल दिया है। संभवतः आज शाम तक पानी अच्छी मात्रा में आ जाएगा और नगर की प्रॉपर सप्लाई पानी की प्रारंभ हो जाएगी।